दोस्तों, अगर आपको पर्सनल लोन्स की रिक्वायरमेंट है या फिर मेडिकल इमरजेंसी आ पड़ी है तो ऐसे में आप इस एप्लीकेशन के तरफ जा सकते हैं। आज मैं बात करने वाला हूं एक RBI रजिस्टर्ड NBFC फर्म के जरिए से लोन देने वाली एप्लीकेशन के बारे में। यानी प्रॉपर तरीके से अगर बात करें तो EMI की तरह ही लोन रिपेमेंट करने की सुविधा आपको मिलने वाली है। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स में कौन सा एप्लीकेशन है, किस तरह से लोन प्रोवाइड कराती है। दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं टेकन ऑनलाइन सॉल्यूशन में आपका स्वागत करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी लोगों के लिए होने वाली है। अगर आप इस एप्लीकेशन के जरिए से लोन लेना चाहते हैं तो मिनिमम 5,000 से लेकर 5,00,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं। इंस्टेंट लोन आपको यहां पर प्रोवाइड कराई जाती है। सब कुछ डिटेल में बात करेंगे, कौन सा एप्लीकेशन है, किस तरह से एलिजिबिलिटी पूरा कर सकते हैं और क्या डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर हमें लोन्स मिलने वाले हैं, सब कुछ डिटेल में हम बात करेंगे। दोस्तों, बात करें यहाँ पर इस एप्लीकेशन के अंदर क्या इंटरेस्ट चार्ज लगने वाले हैं। यहाँ पर आपको 16% से लेकर सालाना 36% तक इंटरेस्ट चार्ज करी जा सकती है। लगभग यहाँ पर देख सकते हैं 60 से प्लस ऊपर ऐसे सिटीज हैं जहाँ आपको ये लोन्स प्रोवाइड कराती है। यह एक RBI रजिस्टर्ड NBFC फॉर्म के जरिए से लोन फंडिंग करती है, जैसा कि आप देख सकते हैं PayU फाइनेंस, IFL जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं, और फ्लूट्रोन कंपनी के जरिए से लोन फंडिंग करी जाती है। बहुत एक जेन्युइन एप्लीकेशन है, ट्रस्टेबल लोन एप्लीकेशन है। इमरजेंसी पड़ने पर आप इस एप्लीकेशन की तरफ बिल्कुल जा सकते हैं। सब कुछ बात करेंगे डिटेल्स में, थोड़ा सब्र रखिए। आपको यहाँ पर अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है और साथ ही साथ आपको यहाँ पर अफोर्डेबल EMI पेमेंट करने की सुविधा भी देखने को मिलती है। 2 मिनट के अंदर में एप्लीकेशन आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर किसी तरह का कोई फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। पेपरलेस डॉक्यूमेंटेशन के साथ ही एप्लीकेशन के जरिए से लोन्स अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपकी सिविल स्कोर अच्छा खासा होना चाहिए, यानी ठीक ठाक होनी चाहिए। दोस्तों, बात कर लेते हैं इस एप्लीकेशन के बारे में डिटेल्स में कि आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए पर्सनल लोन्स लेने के लिए। दोस्तों, अगर आप भारत के नागरिक हैं, आपकी उम्र 21 साल से लेकर 60 साल के बीच होनी चाहिए, और ऐसे में अगर आप मुंबई दिल्ली से हैं तो आपकी नेट मंथली इनकम जो भी होगी वो आपकी 20,000 रुपये होनी चाहिए। अगर आप अदर सिटी से हैं तो ऐसे में आपकी 18,000 रुपये इनकम होनी चाहिए या फिर सैलरी। और जैसा कि मैंने आपको बताया, 60 ऐसे सिटीज में एप्लीकेशन ये वर्क करती है। जानकारी के लिए बता दिए, पूरे भारत में लोन एप्लीकेशन ये लोन सर्व नहीं करती है, ये चीजें याद रखिएगा। तो आपको यहाँ पर मिनिमम 3 महीनों से लेकर 60 महीनों तक का लोन भुगतान करने का समय देखने को मिल जाती है। यानी EMI की तरह ही लोन आप ले सकते हैं और लोन का रिपेमेंट कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर किसी भी चीज के लिए आप लोन्स ले सकते हैं, मल्टीपल पर्पज अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। जैसे वेडिंग्स, न्यू कार के लिए ले सकते हैं, एजुकेशन, मेडिकल, इमरजेंसी, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स, क्रेडिट कार्ड बिल्स, या फिर होम रेवोल्यूशन या फिर ट्रेवल्स के लिए आप लोन्स ले सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब लोगों के मन में सवाल ये होगा, भाई इस एप्लीकेशन के अंदर किस तरह से हमें लोन्स के लिए अप्लाई करना है, किस तरह से रजिस्ट्रेशन करें। अब ऐसे में आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें, इस एप्लीकेशन के अंदर हम लोन अप्लाई करके आपको बिल्कुल नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि मेरे सिटीज में एप्लीकेशन ये वर्क ही नहीं करती है। तो ऐसे में हमारी एप्लीकेशन डेफिनेटली रिजेक्ट हो जाने वाली है। ये चीज़ें आपको समझने की है। अगर आपको यहाँ पर किसी तरह का कोई क्वारी है, पूछताछ करना चाहते हैं, तो इनके ईमेल के जरिए से सपोर्ट या फिर हेल्प ले सकते हैं। तो आपने यहाँ पर देख लिया कि क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए लोन अप्लाई करने के लिए। अब दोस्तों, यहाँ पर डिटेल में हम बात कर लेते हैं क्या डॉक्यूमेंटेशन लगने वाले हैं। आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड होनी चाहिए, साथ ही साथ आपके पास नेट इनकम वेरिफिकेशन आपको करानी होगी, यानी इंटरनेट के जरिए से। अगर आप इंटरनेट वेरिफिकेशन नहीं करा सकते तो इस केस में बैंक स्टेटमेंट आपको यहाँ पर देनी पड़ सकती है। तो आपने यहाँ पर समझ लिया क्या डॉक्यूमेंटेशन होगी और आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए लोन अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हम जिस एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो ये है पेशेंस लोन एप्लीकेशन। बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन है। यह एक RBI रजिस्टर्ड NBFC फॉर्म के जरिए से ही लोन फंडिंग करती है। मिनिमम 5,000 रुपये से लेकर 5,00,000 रुपये तक का इंस्टेंट लोन ले सकते हैं। अगर आपको इमरजेंसी पड़ी है तो आप इस एप्लीकेशन की तरफ जा सकते हैं। ध्यान रखें, आपकी सिविल स्कोर थोड़ी बहुत ठीक ठाक होनी चाहिए तो ही आप यहाँ पर किसी भी लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। एक RBI रजिस्टर्ड NBFC फॉर्म के जरिए से ही लोन फंडिंग करती है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं फ्लोट्रोन, IFL, PayU फाइनेंस के जरिए से लोन फंडिंग आप तक करी जाती है। तो आपके लिए बहुत ही कामयाब एप्लीकेशन हो सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफी पसंद आए होंगे। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के वीडियो बस इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।